इलेक्ट्रिक रिक्शे का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी खास वजह है कि इसके लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बैटरी से चलने वाला रिक्शा है, इसी वजह से इसका किराया भी सामान्य रहता है। भविष्य की बात करें तो बढ़ते प्रदूषण और ईंधन के उठते गिरते दाम को देखते हुए अधिकतर लोग अब इलेक्ट्रिक रिक्शा को पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से भविष्य में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में बिजली से चलने वाले उपकरण ज्यादा होंगे। अगर आप भी इलेक्ट्रिक रिक्शा के बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं तो ये बेहद कम पूंजी में मुनाफे का सौदा है। चलिए जानते हैं ई रिक्शा बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले आप ये देखें कि ई रिक्शा आप खुद चलाएंगे या किसी को किराए पर देंगे। अगर आप खुद चलाने चाहते हैं तो रिक्शे वाले से किराया, रूट आदि की जानकारी लें। यदि किराए पर रिक्शा देना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्शा चलाने वाला ग्राहक ढूंढें। इसके बाद पता करें कि ऐसी कोई सरकारी योजना है जिसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती है। अगर है तो उसके लिए नजदीकी ई रिक्शा कंपनी या इनके शोरूम से संपर्क करें। ई रिक्शा बिजनेस के लाभ। चलाने में एकदम फ्रेंडली है, आसानी के साथ इसे चलाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि आप इसे जितने भी खरीदेंगे उससे कई गुना कमा लेंगे। 2 से 3 महीने में आप आसानी से इसकी लागत निकाल लेंगे। इस्तेमाल करने में आसान है, इसे चलाने के लिए ज्यादा मेहनत तो मशक्कत नहीं करनी है। कोई भी इसे आसानी से चला सकता है। इसकी मेंटेनेंस भी अधिक नहीं है, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करता। कुल मिलाकर आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। ई रिक्शा कैसे खरीदें और ई रिक्शा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स से ई रिक्शा खरीदें। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफाइड ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर से ही खरीदें। ब्रांड के रेपुटेशन चेक करें। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट, बैटरी लाइफ एंड वारंटी, सीटिंग कैपेसिटी, ग्राउंड क्लियरेंस, मोटर वारंटी, माइलेज आदि चेक करें और टेस्टेड होने चाहिए। स्पेयर मैनेजमेंट करके रखें। फाइनेंस के लिए जो लोग इस बिजनेस में हैं या उनके अनुभव से उनसे सलाह जरूर लें। ऑनलाइन और बड़े बड़े शहरों में आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट पर भी उपलब्ध है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। जनरली ई रिक्शा के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही रिक्शा को लेकर आप अपने स्टेट के नियमों के बारे में एक बार आवश्यक पता करें, क्योंकि हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है। ऐसे में किसी शोरूम और अनुभव वाले व्यक्तियों से बातचीत कर जानकारी लें। ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अब बात करते हैं ई रिक्शा बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपने बजट पर सबसे पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि 1 लाख से 3 लाख तक का बजट आप अपनी पसंद का ई रिक्शा खरीद सकते हैं। यदि आप सबसे कम बजट में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो 1.5 लाख तक में आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ई रिक्शा ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ई रिक्शा बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। फिर भी इस बिजनेस को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें, हम जल्द ही आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।